डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में बिना पीटी एग्जाम दिए आप किसी नौकरी के लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे, पीटी होता क्या है और पीटी का जो फॉर्म है कब आता है, परीक्षाएं कब होती हैं, ये तमाम सारी जानकारियां हैं जो पीटी से जुड़ी हुई हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी एग्जाम कंडक्ट कराता है, पीटी एग्जाम जो है इसका पहला संस्करण जो है वो 2021 में आया था। 2021 में इसका प्रथम संस्करण शुरू किया गया था और जिसकी परीक्षा जो है वो 24 अगस्त 2021 में कराई गई थी। पीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, पीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो होता है, अगर आप 10th पास हैं और आपकी एज जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसकी 10th पास होना चाहिए। अब आप पीटी एग्जाम तो दे लेते हैं लेकिन जो वैकेंसियां बाद में आती हैं तो वैकेंसियां जो होती हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको उसमें मौका मिलता है। अब अगर कोई वैकेंसी 10th पास के लिए आती है तभी आप उसमें सेकेंड एग्जाम के लिए, मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास कोई अन्य डिग्री नहीं है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास होनी चाहिए, बाकी आपके पास इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री है आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो पहला संस्करण इसका जो आया वो 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ, फिर उसके बाद में 2022 में परीक्षा कराई गई और 23 में एग्ज़ाम हुआ। अब 2024 के लिए जो है इसका चौथा संस्करण होने जा रहा है। 2023 में 28 और 29 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। अब जो 2024 में इसका पेपर होगा आपका और कब आवेदन होगा, जैसा कि 2024 में जुलाई से अगस्त के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपका पेपर भी जो है अक्टूबर महीने में कराया जाएगा, जैसा कि अभी तक इसका एग्जाम होता आया है। अब पीटी एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन भी आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है, जुलाई से अगस्त के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और इसका एग्जाम जो होता है आवेदन के 2 महीने के भीतर ही आपका एग्जाम कराया जाता है। जैसा कि पीटी एक पात्रता परीक्षा होती है और पीटी की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर के लिए होती है, इसमें अभी तक कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। पीटी में जो भी वैकेंसियां आती हैं इसके माध्यम से UP SSC में, तो उसमें अभी कोई कट ऑफ नहीं जारी किया गया है कि आप 40 नंबर अगर पाए हैं तो क्वालिफाइड हैं। जैसा कि शिक्षक भर्ती के लिए टेट सीटेड होता है तो उसमें कट ऑफ निर्धारित है कि अगर आपके 82 नंबर हैं, आप रिजर्व कैंडिडेट में आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके पास अगर 90 नंबर हैं तब आप क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन जो पीटी एग्जाम होता है इसमें आज तक अभी कोई कट ऑफ निर्धारित गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है कि आप 100 में से कितने अंक पाएंगे तब क्वालिफाइड माने जाएंगे, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जब कोई भर्ती निकल करके आती है, किसी पोस्ट पर भर्ती होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि आप 0 अंक ना हो, 0 से अधिक अंक हो, आपके 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी हो, आप परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में इसका कट ऑफ जारी होता है। अब जैसे मान लिया किसी पोस्ट के लिए 1000 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं तो 1000 वैकेंसियों के 15 गुना 20 गुना यहाँ पर जो है कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उसका कट ऑफ जारी होता है। अगर आपके अंक उसके अंतर्गत आते हैं तभी आप उसमें सेकेंड एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, अन्यथा आप फॉर्म तो भरे रहते हैं लेकिन मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलता है। UP SSC के द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और उसमें जो है आवेदन शुरू हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीटी एग्जाम नहीं दिया है और आप लोग कमेंट आ रहे हैं कि आप पीटी एग्जाम बिना कैसे फॉर्म भर पाएंगे, तो आप लोग क्लियर करना चाहेंगे आज हम। यदि आपने पीटी 2023 में एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भी भर्तियां आती हैं UP SSC के माध्यम से उसमें बिना पीटी के आप एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर्म भरने के लिए, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। फॉर्म भरने के बाद ही आपका जो है कट ऑफ जारी होता है और कट ऑफ जारी होने के बाद ही आपका मेन एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि बगैर पीटी के आप कोई भी वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे हम इसमें फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, यहां से आपसे तुरंत मांगेगा कि पीटी 2023 का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो अगर आपने फॉर्म भरा है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन विद प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट यहाँ पर दिया गया है
और जैसे ही इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। यहाँ से देखेंगे थ्रो पर्सनल डिटेल्स पेट, तो अगर आपके पास में पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इसमें निकलने वाली आप किसी भी वैकेंसी में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि आप यूपी के निवासी हैं या किसी अन्य प्रदेश के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराई जा रही भर्ती परीक्षाओं के बारे में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं अगर यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, तो आपको पीटी एग्जाम देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पीटी एग्जाम नहीं दिया है तो आप भर्तियां तो देख सकते हैं, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप उसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप लोग 2024 में जैसे ही पीटी एग्जाम आए, उसमें फॉर्म आए, आप उसमें सबमिट करें फॉर्म को और अपना एग्जाम दें, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली तमाम सारी भर्तियों में आप लोग एलिजिबल हो पाएं, मेन एग्जाम दे पाएं। तो आप लोग पूरी तरीके से ये जो है देख लें, समझ लें कि बिना पीटी के आप कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं किसी भी नौकरी के लिए निकाला जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। फुल होंगी, अगर सूचनाएं अच्छी लगी हों आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।